वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाहिद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद और लॉयर्स टीवी के तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को भी हमारी तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहलियात वतन और उम्मते मुस्लिमा को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक की खुशियां मुबारक हो। सामिन, चूंकि ये हमारा सीखने सिखाने वाला प्रोग्राम है, इसीलिए हम मुख्तलिफ इश्यूज को रेस करते रहते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं शाहिद भाई, गालिबन 20 की बात कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम लीज के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम कोई मकान, दुकान, जमीन, फ्लैट, तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसका लीज है या नहीं है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी लीज हो उसको कंसीडर किया जाता है कि वो ज़्यादा सिक्योर है बनिस्बत ऐसी प्रॉपर्टी के जो लीज ना हो। तो इस हवाले से हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे लीज है क्या चीज़, क्योंकि लोगों को ये प्रॉपर मालूम नहीं है कि लीज होती क्या चीज़ है। तो लीज बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक लेजर होता है और दूसरा होता है लीजी। जो लीज ग्रांट करता है वो लेजर कहलाता है और लीज जिसके फेवर में दी जाती है वो लीजी कहलाता है। तो क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि लीज अगर हम एक कोई प्रॉपर्टी हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम उसके मालिक बन गए। तो यहाँ पे इस हवाले से इस बात की क्लेरिफिकेशन जरूरी है कि लीज बेसिकली ठीक है, आप उसके मालिक तो बन जाते हैं, लेकिन लीज एक एग्रीमेंट है जिसमें हमें राइट टू यूज मिलते हैं उस चीज के, उस प्रॉपर्टी के राइट टू ऑक्यूपाई, राइट टू यूज फॉर ए सर्टेन पीरियड। बेसिकली लीज होती है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए और आपको उसके मालिकाना हक नहीं मिलते, बल्कि आपको उसके राइट टू यूज, राइट टू ऑक्यूपाई और मुख्तलिफ जो भी उसकी कंडीशन होती हैं, जो कि लीज की कंडीशंस में मौजूद होती है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन वो मिलती है। और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, रिमन जो लीज होती है वो 99 ईयर्स की लीज होती है। ये तमाम नाज़रीन समझ लें कि ज़मीन की मालिक या जायदाद की जो भी मालिक होती है, एक्चुअल मालिक जो है स्टेट या रियासत या हुकूमत ही होती है, लेकिन हुकूमत मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के जरिए, जो भी लैंड गिविंग अथॉरिटीज होती है उनके जरिए में ये उसके राइट टू यूज़ देती है। अब अगर आपको एक प्रॉपर्टी 99 साल के लिए लीज पे मिली है तो आप उसके 99 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को सेल भी कर सकते हैं वो, लेकिन सेलिंग पीरियड भी 99 साल का ही होगा। 99 साल का मतलब है कि अगर आपने प्रॉपर्टी 2000 में लीज पे ली थी और आज 2020 चल रहे हैं, तो आज की डेट में अगर आप वो किसी को सेल करने जाएंगे तो 20 साल उसकी गुजर गए। आपको जितने साल के राइट्स मिले थे अगर 2000 में वो लीज हुआ था और आज 2020 में आप सेल करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि 99 ईयर्स लीज में से आपको 99 ईयर्स के राइट मिले थे जिसमें से 20 साल गुजर चुके, तो आप उसी पीरियड के लिए उसको सेल कर सकते हैं कि जो कि आपके पास रिमेनिंग है। वो लोग समझते हैं कि लीज एक हमेशा के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है। तो अब अगर आज की डेट में कोई उस प्रॉपर्टी को लेगा तो 99 ईयर्स में से 20 ईयर्स आप माइनस कर दें तो ये जो रिमेनिंग बन जाते हैं, आई थिंक 79 ईयर्स, तो ये जो नया मालिक होगा या जो नया परचेजर होगा उसको इतने ही राइट्स मिलेंगे। अब जब लीज हो जाती है तो अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर लीज भी राइट टू यूज है तो फिर लीज में और रेंट में क्या फर्क रह गया। तो बेसिकली लीज एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लीज उमन जो है 99 ईयर्स होती है। बास कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे हमारे मुल्क में बास कंडीशन में कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए भी लीज दी जाती है, जो 30 या 33 साल लीज होती है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। तो लीज की पीरियड लीज में और रेंट में बेसिकली जो मेन जो एक फर्क ये हो जाता है कि लीज हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है।
आपकी लीज जो चलती है वो ईयर टू ईयर बेसिस पे होती है, रेंट आपका 30 डेज मींस के हर महीना क्लोज होता है तो आप उसके रेंट पे कर रहे थे। अच्छा, लीज में भी हमारे हमें कुछ रेंट पे करना होता है जो कि हमें से मेरे ख्याल के 99% लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं होती, हालांकि वो रेंट लीज के एग्रीमेंट में मौजूद होता है जो कि हमें लैंड गिविंग अथॉरिटी को पे करना होता है। हम उससे आगा नहीं होते और हम वो नहीं पे कर रहे होते, लेकिन जब कभी भी हम उन डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे और अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या ट्रांसफर या म्यूटेशन के लिए जाते हैं तो उसमें वो चीज़ें वो जब रिकॉर्ड से चेक करते हैं तो वो चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आपको ये ड्यूज पे करने हैं। अब जब लीज पे आपने एक चीज़ ले ली और अगर आप उसी एक चीज़ ये भी हो जाती है कि रेंट में और लीज में ये भी फ़र्क हो जाता है कि रेंट जब आप लेते हैं तो रेंट सिर्फ आपके लिए होता है, आप उसको फर्दर किसी को रेंट आउट नहीं कर सकते। फिर रेंट में आपको वो बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते जो कि लीज में मिल रहे होते हैं। लीज में आप सेल भी कर सकते हैं, आपने सेल कर दिया आपको जितने राइट्स मिले थे जो रिमेनिंग पीरियड्स हो गए वो आपने आप सेल भी कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं आप किसी को। इंतकाल की सूरत में वारिसों को भी वो राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं उस पीरियड्स के लिए, हालांकि रेंट में ऐसा नहीं है। अब जब हम लीज पे कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं और अगर हम फर्दर उसको आगे किसी को ट्रांसफर करना चाहें तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कन्वेंस, कन्वेंस मीन्स के आगे किसी को कन्वे करना। अब जब एक चीज़ हमने लीज पे ले ली और अगर हम वो किसी को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये कि वो जो लीज वाली प्रॉपर्टी है आपने किसी को कंसीडरेशन या पैसों के एवज ट्रांसफ़र की, मीन्स कि आपने उसको फ्रॉक की, तो इस सूरत में आप हम उसकी सेल डीड बनाते हैं क्योंकि हमने वो सेल की है तो लीगली उसकी सेल डीड बनेगी। इसी तरह अगर आप वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट एनी कंसीडरेशन या विदाउट एनी अमाउंट तो ये कहलाती है गिफ्ट, और गिफ्ट के लिए फिर गिफ्ट डीड बनेगी। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो बंदा जिसके नाम जिसके फेवर में लीज है अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी राइट्स वो तो फिर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं लीगल हेयर्स के हक में, लेकिन उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, कोर्ट से चीज़ होती है। ये इस सूरत में प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के जरिए ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ चाहे वो सेल डीड के जरिए हो चाहे वो गिफ्ट के जरिए हो चाहे वो इनहेरिटेंस के लिए, तो ये आपका जो ये ट्रांसफ़र ये आपको लीज के राइट्स आपको कन्वे हो रहे हैं। मालिकाना हुक तो गवर्नमेंट जो हुकूमत होती है उनकी ही ज़मीन है, लेकिन चूंकि उन्होंने 99 ईयर्स दिया था अब डिपेंड करता है कि इस ट्रांसफ़र के टाइम में कितना अर्सा आप उसको यूज़ कर चुके और कितना रिमेनिंग है, तो जो रिमेनिंग पीरियड्स बाकी है लीज का वो उस पीरियड तक के लिए वो चीज़ चाहे वो सेल डीड की सूरत में हो, गिफ्ट डीड की सूरत में हो या फिर रिलिंक्विशमेंट डीड की सूरत में हो जो कि इनहेरिटेंस होती है, इन सूरत में ये चीज़ें ये राइट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से लीज के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शायद भाई एक जबरी क्वेश्चन है आपसे कि बिल्कुल ये मजाक नहीं है क्योंकि ऐसा मुख्तलिफ मुल्कों में हो चुका है कि अगर आपके पास जमीन है और उस जमीन के अंदर से तेल निकल आया, पेट्रोल निकल आया, गैस निकल आया, सोने का कान निकल आया, फिर क्या उसका उसका मालिक कौन होगा? ऐसी सूरतों में उनकी जो मुख्तलिफ ममालिक जो लॉज हैं उसके तहत इन नेचुरल रिसोर्सेज ये कहलाती हैं, इनकी मालिक हमेशा हुकूमतें ही होती हैं। और फिर हमने अभी ये बात की थी कि लीज जब होती है क्योंकि पहला प्रोसेस जब भी हम ज़मीन खरीदते हैं तो फर्स्ट लॉटी जो होता है जो जिसने लिया होता है उसने लीज पे ही चीज़ें ली हुई होती हैं, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो लीज होती है। तो यहाँ पर हमने ये बात की कि लीज जब लेते हैं तो हम कुछ लीजी जो है कुछ पेमेंट्स करते हैं उस लैंड गिविंग अथॉरिटी को जिसके अगेंस्ट में उसको राइट्स मिलते हैं और ये राइट्स से और जी हाँ आप बात कर रहे थे कि लीज का अगर अंदर से कोई तेल निकल आए, कोई मदनियात निकल आए, या आपने देखा होगा पिछले मर्तबा चीफ जस्टिस निसार साहब ने पानी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था, जमीन किसी और की लेकिन पानी अगर निकाल कर बेच रहे हैं तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, आप लीज की बात कर रहे थे कि अगर तेल निकल आए, पेट्रोल निकल आए, पानी निकल आए, पानी को बेचने के लिए निकल आए तो क्या करेंगे? देखिए लीज जब भी होती है तो लीज की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसमें लेजर जो कि लीज ग्रांट करने वाला होता है या जो अथॉरिटी होती है
वो जब लेजी को लीज देती है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होती है और लीज उन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत ही होती है सब्जेक्ट टू, और लीज हमेशा जो सब्जेक्ट टू लोकल लॉज होती है यानी जो कंट्री के लॉज होती है, लॉज के तहत जो है जो भी नेचर रिसोर्सेज हो या इस तरह की चीजें मादनियात निकल जाए कोई दूसरी चीज निकल जाए तो उसकी मालिक रियासत होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ऐसे कानून भी मौजूद है कि अगर गवर्नमेंट को किसी सिचुएशन में किसी जमीन की जरूरत पड़ जाती है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी जगह हमने देखी है जहाँ पे पहले ब्रिज मौजूद नहीं थे, आबादी थी, फिर वहाँ से रास्ता निकालने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ से रास्ता निकाल लिया, बाईपास निकाल लिया या पुल बना दिया, तो इस सूरत में बाज दफा गवर्नमेंट को जमीनों की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि रास्ते में अगर कोई जमीन आ रही है, कोई घर आ रहा है, कोई शॉप आ रही है तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी इस हवाले से भी लॉज मौजूद है कि गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट आवाम से वो जमीन या वो लीज की भी चीजें वापस ले सकी, लेकिन इस सूरत में गवर्नमेंट अल्टरनेट प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ले लेगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी से अगर छत ली जा रही है तो उसको दूसरी छत अल्टरनेट में भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन सारी चीजें हमारी लॉ के तहत मौजूद है। गवर्नमेंट जमीनों की या जमीन की असल मालिक रियासत ही होती है और रियासत को अगर जरूरत पड़े तो वो ले सकती है। तो साहब ये बात समझ में आई कि लीज तो यकीनन आप उसके हकदार हैं यूज करने के, बेचने के, खरीदने के, बिल्डिंग बनाने के, लेकिन अगर आपके खुशकिस्मती से पेट्रोल निकल आए तो आप रईस हो जाएंगे। दुआ कीजिए कि आपके पेट्रोल निकल आए इंशाल्लाह ताला। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये पेट्रोल का कुआं आपके आप तक पहुंच सके, यानी इल्म आप तक पहुंच सके, इल्म को बांटते हुए एक दूसरे का की मदद कीजिए, शेयर करके लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, रोजे रमजान में ज्यादा काम मत कीजिए और अपने घर वालों के साथ बहुत टाइम गुजारिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।